थोड़ा सा हक। राइट जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। जी हाँ, लाइव शो होता है तो ये मजे तो होते ही हैं। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। इमरान, कैसा लगता है इतना अरसा, मतलब डूइंग सो मच ऑफ टेलीविजन, डूइंग सो एंड यू नो डूइंग फिल्म एंड सो मच ऑफ दैट, एंड देन रेडियो, और आजकल का रेडियो और पहले का रेडियो कितना बदल गया है, क्या ख्याल है? हाँ, बहुत बदल गया, बहुत ज़्यादा बदल गया है। ये इतनी साफ जो आवाज़ आती है अब FM पे, ये तो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन उस धुंधली आवाज़ का भी एक अपना रोमांस था, जिसमें एक फ्रिक्शन होती थी, डिस्टॉर्शन होती थी, और उस पर बड़े बड़े गाने, मतलब क्योंकि पहले ये सारा यूट्यूब और सब कुछ नहीं था, तो रेडियो पे इतने डिपेंडेंट होते थे कि कब हमारा फरमाइश का गाना लगेगा, एक इंतजार होता था, फरमाइशी प्रोग्राम चलते थे, तो वो चीज़, वो कल्चर खत्म हो गया। अब तो आप किसी भी गाने को फौरन आप डाउनलोड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, iTunes पे चले जाते हैं, यूट्यूब पे चले जाते हैं, लेकिन वो जो वहां से जो यहाँ तक का जो सफर है वो बड़ा खूबसूरत है। और अच्छा, सॉरी जी, और वो जो राहदारियों की खुशबू स्टूडियोज के और वो सब कुछ है ना, मैं तो नहीं भूल सकता, वेरी नॉस्टैल्जिक रिकॉल वैल्यू। आई कैन इमेजिन, और स्पेशली आई थिंक वंस यू स्टार्ट ऑफ विद रेडियो, दैट feeling, that love jo hai na for radio, it stays there, man. And trust me Saniya, itna aapko radio jo hai wo aapki aapki voice modulation ki aapko prepare karta hai. Maine jitne acche actors dekhe unka mostly, aaj ki to generation mein isliye ki radio ka wo trend nahi hai, lekin jo bade sare hamare jo seniors guzre hain, wo sab ka taluq kahin na kahin se radio se raha hai, kyunki unko awaaz ka utar chadhav ka jo ek training mil jati hai radio se, kyunki shakal nahi aati thi, sirf awaaz, kavi sahab ko dekh le, you know, you name it. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा इमरान, अभी हमने एक गाना सुना कोको कोरीना, वही मुराद साहब जो है उनके उन पे पिक्चराइजेशन हुई थी, ऑफ कोर्स एज यू नो। आपने एक टेलीफिल्म की थी 2013 में आई थिंक, जो कि अंजुमन पे, इट वॉज लाइक रीमेक ऑफ अंजुमन, है ना? तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? It was, I mean, after Waheed Murad's movie, how yeah, basically that was a branded five films ka ek wo tha slot tha, jisme they were recreating all those big Pakistani films, all those hits of 1980s and 1970s, jisme mujhe Anjuman mere hisse mein aayi thi, jo ki Waheed Murad saab aur Rani ki bahut hi khoobsurat film thi. So I was, matlab maine kaha yaar, Waheed Murad saab ka role karne ke liye उनको देखने की तो जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि यू कैन नॉट कॉपी इट एट ऑल, यू कैन नॉट बी देयर 10% भी। तो मैंने कहा बस अपने तरीके से ही करूंगा, अदरवाइज वो तो कंपैरिजन में अगर मैं पड़ गया और लोग तो मुझे तो कहीं खड़ा ही नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा वो नाम और इतना बड़ा एक आइकॉन कि उनसे बड़ा मेरे ख्याल पाकिस्तान में चॉकलेट हीरो का इमेज की कोई कैरी नहीं करता। सही। तो फिर उसके बाद आपने अपने अंदाज में किया उसको, बिल्कुल मैंने अपने, वो इमरान अब्बास ही नजर आएगा आपको उसके। ओके, what is, after doing so many characters, right, matlab aapke uncountable plays hain, if you start going through them, mashallah, kaun sa aisa character hai jo abhi bhi aapka dil karta hai ki aap kare aur aapne abhi tak nahi kiya? Yeah, ab honestly Saniya, mujhe koi aisi koi excitement nahi hoti kisi character ko karne ke liye, mujhe lagta hai mujhe ab comedy karni chahiye, kyunki bahut ro liya, bahut rula diya aur bahut romance kar liya, ab I want to do some very ऐसा कोई कॉमेडी रोल जिसमें मुझे लोगों को ये पता चले कि मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है या मेरी जो कॉमेडी की टाइमिंग है वो कैसी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे समय बहुत कम आई और मैं भी डरता रहा। की भी है, लेकिन यू हैव डन अकबरी असरी, अकबरी असरी, हां जी, राइट। ओके, सो कॉमेडी इट इज, यू आर वेटिंग फॉर सम समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अच्छा मुझे बताएं कि क्या करते हैं घर में? चाय पीने का शौक है? बस चाय ही पीने का शौक नहीं है। नहीं है तो हम आपको चाय नहीं पिला रहे, चाय, हम आपको जूस चाय रहे। लेकिन मुझे आजकल मैं ये जो जो नहीं थी चाइनीज हर्बल ग्रीन टी, और मेरे पास आप एक सीक्रेट, मेरा एक घर वालों को पता है कि एक मेरा एक अलमारी है जिसके अंदर मेरे पास इतने सारे फ्लेवर जमा हो गए, मैं हर जगह से कलेक्ट करता रहता हूँ। आई थिंक आई हैव मोर देन 60 डिफरेंट टी के फ्लेवर्स। रियली? अच्छा, वो जमा होते जा रहे हैं और पिए भी जा रहे हैं? पीता भी हूँ, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है एक्सपेरिमेंट करने का, ये जो है ना ये। अच्छा, आपको बताऊँ, बड़ा जो इनके जो फ्लेवर्स है ना, उसमें थोड़ा सा ये भी है कि सर्टन काइंड ऑफ फ्लेवर फॉर सर्टन काइंड ऑफ, मतलब अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है तो मिंट पिए, और अगर आपको कैमोमाइल, अगर आपको सोने रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा, आर यू वन ऑफ दोज पीपल जो के अप एट नाइट एंड स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे? No, I hardly get time to sleep even like in, at night. मैं तो मेरी sleep cycle बहुत ही disturbed है, मैं नींद पूरी नहीं कर पाता हूँ। Even with the teas, फिर वो teas जो है ना, tea bags, they are kicking in. They need to be used, है ना? लेकिन तो what do? You don't sleep a lot? I don't sleep a lot.
Okay. I think a lot. You think a lot? I think a lot in sleepless. Okay. You're a deep thinker, huh? Yeah. Okay. गाना भी गाते हैं. अच्छा, सबसे अगर मैं पूछूँ, तो बड़ा मुश्किल है भाई ये सोचना, because you know you've done all of the things. लेकिन अगर you had another life, would it be modeling? Would and you had to choose one. Would it be modeling, acting, singing, or would it be something else? Or flying? है ना, you had a bit of flying. Yeah, yeah, a little bit of flying. Yeah. So what would you choose? I think I would be an architect. You'll be an architect. Architect तो हूँ. And you are an architect. Wali. Yeah, but I would have been. मुझे उस वक्त तक ये कि मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ उस तरह. लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर मैं कभी अगले कभी मुझे कोई मौका मिला तो मैं आर्किटेक्चर प्रैक्टिस जरूर करूंगा. इतना खूबसूरत ये फील्ड है और इतना इंटरेस्टिंग है और इतना मेरे दिल के करीब है. लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली एक्टिंग इतना ज्यादा डिमांडिंग रहा मेरे लिए कि मैं उसको साथ कर नहीं पाया. दोनों चीज के. व्हाट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर इंटरेस्ट यू? इक्लेक्टिक. ओके. या इट शुड बी द अमलगमेशन ऑफ मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न इवन ट्रेडिशनल conventional sab kuch purana naya matlab ek mujhe blend karne mein. Yeah, okay, lovely. So you would be an architect. Acha, ye bhi aapki badi mujhe interesting baat lagti hai ki aapne NCA se architecture padha, lekin usse pehle you did try flying as well, isn't it? Yeah, a little bit, but aisa kuch nahi, matlab you didn't want to take it further? No. Okay, so you came back to NCA, and of course you are an artist. Aap paint bhi karte hain, aap likhte bhi hain, sher aur shayari karte hain. So you know, I guess NCA mein was it better than NCA mein? Mujhe Saniya, honestly, मुझे इतना कुछ मुझे सिवाय गाने की और कुछ करने का मौका नहीं मिला. एक हमारी सोसाइटी होती थी ईस्टर्न म्यूजिक सोसाइटी और साइमा की होती थी वेस्टर्न म्यूजिक सोसाइटी. यस, सो यू लाइक टू पोल्स अपार्ट एंड बट या अंडर द सेम अम्ब्रेला ऑफ म्यूजिक. मैं ज्यादा ईस्टर्न की तरफ था, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, और बड़े हमने बच्चे जो है ना वो किए और क्रिएट किए. इतने प्रोडक्ट्स हैं, आपने सही बात कर दी. मतलब हर जगह इंडस्ट्री में everywhere. Mashallah, they have excelled. Jee. Like yourself. So of course you are an exceptional case in many ways. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैंने आपको पहली दफा देखा था तो वो NCA के एक शो में था. Oh really? जी हाँ. And you sang a song. बस मुझे भी पता था कि कभी जिंदगी में मैं बैठी हुई इंटरव्यू कर रही हूँ आपको आफ्टर 20 इयर्स. अच्छा, मैंने आपको देखा, मैंने आपको बताऊँ मैंने आपको कहाँ देखा था? मैंने आपको किसी टीवी शो पे देखा था. मैंने कहा था कि ये एक एक्ट्रेस हैं पड़ोसी मुल्क की, उनसे मिलती है, और फिर मैंने मुझे पता चला ये तो मेरी दोस्त की बहन है. फिर ये आपकी वालदा से मेरी बातचीत हुई, फिर मुझे पता चला आपने ये कमाल साहबा से ताल्लुक और सब कुछ. मैंने कहा भाई मैं उनकी खाला नहीं, Oh my God! You so have इतने बड़े बड़े नाम, you have a great memory, Imran. MashaAllah. No, no, no. It's ये सिर्फ पुरानी, जिस तरह बुढ़ापे में होता है ना, बस पुरानी बातें बचपन की याद रहती हैं. Dinosaurs नहीं हुए हैं. मेरा कुछ याद नहीं रहता. नहीं, that's so sweet. लेकिन yeah, so the first time मैं आई थी NCA का कोई function था, and I came with my cousins, and we see this young talented student at that time. और आगे कुछ और भी कहते हैं, good looking भी कहते हैं. बड़े जबरदस्त, भर भर जाहिर सी बात है, वो सबको पता ही है. मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, but you know. उस वक्त बहुत बुरा होता था, आपको याद होगा शायद. जिन जिन लोगों ने मेरी NCA की तस्वीरें देखी उनको यकीन नहीं आता कि ये मैं हूँ. मतलब इतना अंडरवेट एक लड़का जो अपने अब्बा के वेस्टकोट पहन के फिर रहा होता था, तो बहुत ही. मगर सुना कि जब आप बहुत छोटे थे, यू आर अ वेरी अडोरेबल चाइल्ड. ये सही बात है कि लंबे बालों वाला बच्चा जी, वो जी, आप ही थे. वो मैं मैंने आपको तब नहीं देखा, ऑनेस्टली आई हैव नॉट सीन हिम देन. मैं सबको बता दूं, ठीक है, आई डिडंट सी यू देन, बट आई हैव हर्ड अबाउट इट. जी जी जी, बहुत बचपन बहुत अच्छा था. सही, माशाल्लाह. यू आर द यंगेस्ट ऑफ 6 सिब्लिंग्स, माशाल्लाह. Yeah, mashallah. Alhamdulillah. Now we are 5. Yeah, I'm very very sorry. That must have been extremely difficult. आपकी बहन बीमार थी और आप बहुत close थे उनसे. She fought a lot against her cancer. Yeah. और mashallah, उनकी यादें इतनी खूबसूरत हैं हमारे साथ कि she always you know, लगता है कि she's with you. I think जो अच्छी बातें और अच्छी यादें साथ रहते हैं, we take them forward. वो करके I think आप मतलब she was also into literature and writing, है ना? So उन चीजों से I guess you stay connected to your sister. So तो बचपन में इमरान pampered थे, spoiled थे या pampered थे, दो चीजें. Spoiled नहीं था, बस उस जो मेरे घर वालों ने जो प्यार दिया उसको शुक्र है वो गलत डायरेक्शन में नहीं निकला. और हाँ, पैम्पर्ड मुझे बहुत ज्यादा किया गया मेरी बहन, क्योंकि मेरे बड़े बहन भाई का फासला जरा ज्यादा था थोड़ा सा. अच्छा. तो मुझे बिल्कुल माँ बाप की तरह ही मेरे बड़े भाई ने पाला.
मतलब मेरे माँ बाप के अलावा मेरे बड़े भाई की, मुझे ऐसा लगता है वो मेरे मतलब एक शफीक बाप की तरह, मेरी बड़ी बहन मेरी माँ की तरह है, और इतना भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा प्यार दिया कि मुझे लगता है कि मेरे मेरी मेरी दो माएँ हैं और मेरे दो बाप हैं, लवली और इसी तरह मेरे स्वीट. सारे बहन भाई जो हैं माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं, मेरे आमिर भाई, मेरी सब सब लोग, मेरी सिस्टर कायनात बाजी, निगार बाजी जिनकी जो दुनिया में नहीं, सबके लिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छी, इवन मेरी भाभियाँ दे आर दे वेरी मस्ट बी क्लोज सो टू मी. प्राउड ऑफ यू ऐसे, माशाल्लाह, है ना. हाँ, लेकिन अब मेरी वजह से कहीं बाहर नहीं, मेरे साथ कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, ओ सो ये उनको भी कहते हैं कि मतलब तुम्हारा एक ही जिंदगी का चैप्टर हमारा क्लोज हो गया, कि हमारी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि तुम्हारे साथ कहीं पिकनिक पे जाएं या कहीं शॉपिंग के लिए जाएं, तो सही. अब ना कहीं मॉल्स में जा सकते हैं, अब अगर कोई बिकॉज टू टू मेनी पीपल कमिंग एंड या है ना, वो एक प्राइवेसी खत्म हो जाती है, डिफिकल्ट फैमिली के साथ अब बाहर नहीं जा जा सकते सकते. ऐसा. अच्छा ये वैसे इमरान, ये भी एक बात है कि जहाँ काम, कुछ लोग काम करते हैं फॉर द वर्क, फॉर द लव ऑफ द वर्क, कुछ लोग करते हैं फॉर द फेम एंड द नेम, जो आजकल ज्यादा न्यू कमर्स नजर आते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू से मच, लेकिन ऐसे भी होता है राइट. लेकिन देन देर पीपल लाइक यू, विच अगेन आई फाइंड कि यू आर नॉट टिपिकल. आप इंटरव्यूज वगैरह में वी डोंट सी यू ऑल ओवर द प्लेस, आपका काम नजर आता है बट वी डोंट सी के ना लॉट जी, ऑफ बल हालांकि एक मेरी कॉन्स्टेंट. पीआर कंपनी है जो कि मुझे मैनेज करती है, और वो मुझसे पूछ रहे थे कुछ ऑफकोर्स, कुछ आई एम श्योर. दो, कुछ दो, कुछ कुछ कोई तो अच्छा फीड दो, कुछ देंगे. मैंने क्या क्या करना है, अच्छा मतलब क्या वजह है, क्यों, क्या शोरत से दूर मुझे रहते हैं, या इज इट बिकॉज़ ऑफ द मुझे बस मुझे प्राइवेसी. नहीं, मुझे अब अलग का शुक्र है कि वो एक जगह, आप यू नो यू बीन देयर डन दैट, और मुझे पता है कि ये सस्टेन, एक ऐसी जगह है जो आप सस्टेन ज्यादा से तक नहीं कर सकते, सही. तो मैं बड़े आराम से उस जगह के लिए मैं छोड़ने के लिए भी तैयार रहता हूँ, और मुझे अब वो चीज़ उसकी कोई एक ख्वाहिश नहीं रही कि मुझे, मैंने सब कुछ देख लिया, सही. मैं अभी भी बड़ा बगैर किसी झिझक के बात करता हूँ कि मैं पैसा कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में आया था, ये मेरा एक सही. जॉब थी, मुझे ये सब कुछ, ये प्यार व्यार जो मिला है ये तो बहुत अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह नेमत के है, पास. लेकिन मुझे कभी भी इसके लिए कोई, मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी, मेरा कभी, मैं ख्वाबों में नहीं देखता था कि मैं घर से बाहर निकलूं तो खिड़कियां तोड़ के लोग लोग आ आ रहे रहे हो एंड हो, दैट इज क्रैशिंग हो रही क्वाइट हो, ओवरवेलमिंग, मतलब कैन बी वेरी और वो डिफिकल्ट मैंने आई एम श्योर. देख लिया है, अब वो मैं बस, मुझे और मजीद की ख्वाहिश नहीं है, अब जिंदगी में आपको एक प्यार करने वाला मिल जाए ना, बस वो बहुत है. हाँ तो अच्छा वो ये भी एक बात है, सॉरी आपकी बात काट रहे हो, आप पहले नहीं, कंप्लीट बस मैं यही करिए. बात कर रहा था कि आपको असल में जब मोहब्बत, आप जब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जिस तरह मेरी उम्र बढ़ रही है और काफी बढ़ गई है, तो मुझे अब अंदाजा होता है कि जरूरत आपको जिंदगी में सच्चे रिश्तों की और मोहब्बतों की तलाश होती है, है. और वो एक भी अगर आपको मिल जाए तो यू आर ब्लेस्ड, दैट्स ट्रू, आई फिर एग्री. आपको ये मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोअर्स की जरूरत नहीं होती जो कि आज सही, यहाँ है और कल वहाँ है. बिल्कुल बट अगेन, बिल्कुल. आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे फॉलो करते सो मच हैं लव, माशाल्लाह. इंस्टाग्राम के ऊपर, कुछ 3.3 के करीब मिलियन फॉलोअर्स हैं फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, वो हर साल किसी ना एंड किसी लिस्ट में. ऑल ओवर आई द लव ऑल वर्ल्ड ऑफ देम बिकॉज एंड वॉट एवर आई एम नाउ, आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दीज गाइज. लवली इमरान. अच्छा ऑन दैट नोट, व्हाट वी गोना डू, वी गो टू अ नाइस सॉन्ग. पहले उसके बताएं कौन बाद सा चलने वाला है. गाना मैंने बताया, अब कुछ जरा नया गाना आ गया, ठीक चलिए है. वी हैव टू ब्यूटिफुल सिंगर्स, दे गोइंग टू सिंग फॉर अस, ठीक है. ओके गाना सुनते हैं, वापस आते हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं इमरान से. आप कुछ कहना चाहें जरूर कहिए, सेंड लाइव अस अ कॉल लेते हैं हम टेक्स्ट, लोग. वी कैन टेक लाइव कॉल इफ यू इफ यू इफ यू फील कंफर्टेबल, और बट वी डू हैव वी यस हैव अ लॉट ऑफ मैसेजेस कमिंग, सो ऑलराइट. वील गो टू देम राइट आफ्टर दिस सॉन्ग. साथ साथ रहिए, स्टे ट्यून्ड टू FM 98. ओके.